हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 7 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। तीनों शिफ्टों में आज जो आपसे रियल क्वेश्चन पूछे गए थे जीके साइंस करंट अफेयर के, वो क्वेश्चन लेकर आए हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू करें, शेयर करें वीडियो को, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन पिछले शिफ्टों से हूबहू रिपीट हुए हैं, इसलिए पूरा एनालिसिस को ज़रूर देखा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि सौरभ घोषाल ने किस खेल में कॉमनवेल्थ 2022 में कांस्य पदक प्राप्त किया है। सौरभ घोषाल रिसीव ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ 2022 इन विच स्पोर्ट्स। तो इन्होंने दोस्तों स्क्वैश खेल में जो है ना स्क्वैश खेल कॉमनवेल्थ में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सौरभ घोषाल ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो टोटल 22 लैंग्वेज हैं, आपको पता होगा। बार बार क्या ही बताना, रिपीट हो रहा है। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में थी 14, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया और 22 भाषाएँ की गई। अगला क्वेश्चन आया, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है आपका। ये जो था ना, वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे आपका 1858 एक्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया, फरवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापार में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो हस्ताक्षर हुए थे वो $100 बिलियन निवेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 1951 से शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो पहली 5 ईयर प्लान थी ना वो 1951 से 1956 के बीच में थी। अगला क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन में आपका बिहार राज्य दिया था, तो बिहार आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सीमाएँ किन किन राज्यों से लगती है। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सीमाएँ 5 राज्यों से लगती हैं, जिसमें आपके उत्तर के अंदर तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात है, तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो ये वो 5 राज्य हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ऑप्शन में बिहार दिया था, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, ईसा मसीह के मृत्यु पर कौन सा दिन मनाते हैं। जिस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी ना, उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, आर्टिकल 21 बार बार रिपीट हो रहा है, आज फिर से रिपीट हुआ। तो ये आपका प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दहेज प्रथा को हटाने के लिए 26 अगस्त 2022 को कौन सी धारा चर्चा में था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं करंट अफेयर जो है ना वो अगस्त और सितंबर का भी पूछा गया है। तो आपको बता दूँ, जो धारा 498 ए है ना, ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, अगस्त 2022 में। बाकी एग्जैक्ट ये सवाल नहीं मिल पाया है, ये सवाल एग्जैक्ट क्या था बताइएगा। अगर धारा पूछा है तो धारा तो हो जाएगा आपका 498 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, असम में नेशनल पार्क कौन सा है। अब असम में तो काफ़ी नेशनल पार्क हैं, तो एक हो जाएगा काजीरंगा, मानस, नेमरी नेशनल, डिब्रू सेखोवा, और उसके बाद राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, इसके अलावा देहिंग पटकाई है, रायमोना नेशनल है, और टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान भी है इसके अलावा। तो बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपके दिया गया था। इनमें से जो भी ऑप्शन में आया था कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ डिड डोबेराइनर अरेंज्ड क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडीन। डोबेरिनियर ने क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन की व्यवस्था को कैसे की थी। तो आपको पता होगा डोबेराइनर ने जो है ना द्रव्यमान पे जो है आधारित था, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पे, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने व्यवस्था की थी तत्वों की। तो क्लोरीन की हो जाएगी 35.5 द्रव्यमान, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन 81.1, फिर हो जाएगा आयोडीन सबसे ज़्यादा 126.9। तो ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन की व्यवस्था इस प्रकार से की थी डोबेरिनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 22वां संशोधन क्या है। वट इज 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज़ नो पर्सन शुड एक्ट एज प्रेजिडेंट ट्वाइस। इजी क्वेश्चन था, आराम से किया होगा आपने सभी ने इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है था, C3
H8 और C4H10 के आणविक भार में क्या अंतर है? What is difference of molecular weight of C3H8 and C4H10? तो इसमें जो टोटल अंतर है वो 14 का अंतर है। अगला क्वेश्चन था, एक लेंस की क्षमता -6.5D है, फोकस निकालना था। अब ऐसे न्यूमेरिकल बार बार आ रहे हैं, क्या बताना बार बार इसको। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, P=1/F होता है। तो यहाँ पे हमें P का मान दिया गया है तो F का मान निकालना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? एटॉमिक नंबर पे रिपीट हुआ है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मेंडल मटर के प्रयोग से मटर के कितने लक्षण प्राप्त हुए थे? हाउ मैनी ट्राइड्स ऑफ पी वेयर ऑब्टेंड बाय मेटल पी एक्सपेरिमेंट। मेंडल मटर के प्रयोग से मटर के टोटल 7 ट्रेड्स जो है ना, ट्राइड्स, वो दोस्तों प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर का स्रोत कौन सा है? विच इज सोर्स ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये है इनकम टैक्स, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 ये आपका राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। नेक्स्ट आया था, वेयर इंडियन रीजन इज सराउंडेड बाय हिंदू कुश माउंटेन। भारतीय क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत से घिरा हुआ है। तो जो कश्मीर क्षेत्र है ना, ये आपका हिंदू कुश पर्वत से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन था, अम्लीय वर्षा के जल को नदी के साथ मिल जाए तो क्या होगा? जल अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा को हमने जल में मिलाया है, तो उससे क्या हो जाएगा, जल जो है वो और अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिपीटेड, लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज फॉर्म्ड। विस्थापन अभिक्रिया कैसे बनती है? वेरी इजी क्वेश्चन, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस जब ये होगा ना, तभी क्या होगा, फॉर्म होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ रेन वाटर ऑफ pH 5.6 इज एडेड टू रिवर व्हाट विल हैपन। यदि नदी या समुद्र के जल में pH 5.6 का वर्षा जल मिला दें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, इट विल मेक रिवर वाटर ऑफ लेस pH फॉर मेकिंग डिफ़िकल्ट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, HIV/AIDS के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अब ये ऑप्शन पे आधारित है, जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। HIV/AIDS से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन आए थे करवा दिए आपको, अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? टोटल 12 जनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। आज सुनील छेत्री का पूछा है, तो इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन आया था, मानव शरीर के पीएच का मान की सीमा पूछी गई थी। व्हाट इज रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू का रेंज होता है वो 7.35 से 7.45 के अराउंड होता है। अगला क्वेश्चन आया था, जैन धर्म के 24th जो आपके 24वें तीर्थकर थे ना, वो पहले तीर्थकर कौन थे? अब यहाँ पे देखिए, 24 तीर्थकर थे टोटल जैन धर्म में, उसमें से पहला पूछा था तो ऋषभदेव हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी ये किस महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया था, चैत्र मास आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल और मई महीना होगा। अगला क्वेश्चन था, कोविशील्ड वैक्सीन को कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वित्त आयोग का गठन, तो ये आपका 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन हुआ था, और इसका आर्टिकल पब्लिक सर्विस कमीशन इन विच आर्टिकल, तो ये आपका 315 आर्टिकल में मिलता है। अगला क्वेश्चन था, विच लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द्रौपदी, किस भाषा को द्रौपदी के नाम से जानते हैं? संस्कृत आपका करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत को द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ने जो है ना इसे स्टार्ट किया था, यंग बंगाल मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महेंद्र गिरी हिल इज हाइट माउंटेन पीक ऑफ, महेंद्र गिरी पहाड़ी किसकी ऊंचाई की पर्वत चोटी है? तो ये ईस्टर्न घाट की है, ईस्टर्न घाट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इमेज ऑब्टेंड इन वाटर इज लार्जर देन इट एक्ट्स लाइक विच मिरर, यदि जल में प्राप्त प्रतिबिंब बड़ा हो तो यह किस दर्पण की भांति कार्य करेगा? अवतल दर्पण की भांति, कौन के मिरर की तरह ये कार्य करेगा।
अगला क्वेश्चन था, स्टार्च में आयोडीन मिलाने पे कौन सा रंग प्राप्त होता है हमें। विच कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन आयोडीन इज एडेड टू स्टार्च, ब्लू और ब्लैक। नीला और काला जो है ना रंग हमें प्राप्त होगा जब हम स्टार्च में आयोडीन मिलाएंगे तो। अगला क्वेश्चन था, पैरालंपिक में 2 पदक किसने जीता, तो अवनि लेखरा ने जीता है। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, रिपीटेड पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में बनी है। आज भी आपके तीनों शिफ्टों में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं, जैसे कि ये वाला भी रिपीटेड है। एड्स से बचाव का उपाय कोऑपरेटिव ऑप्शन में था, कोऑपरेटिव करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, जितने भी आपने चिप्स और कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे उसमें दोस्तों ऑक्सीकरण जो है ना उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किसकी संयोजकता 3 है, बार बार रिपीट हो रहा है, एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता होती है। नेक्स्ट था, न्यूलैंड कास्टक नियम किस पे आधारित है, रिपीटेड है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आधारित है ये। अगला क्वेश्चन था, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करेगा, आर्टिकल 32, रिपीटेड है। हिमालय के नज़दीक में कौन सा राज्य नहीं आता है, तो यहाँ पे काफ़ी स्टेट के नाम दिए गए थे, जगह के नाम दिए गए थे, जिसमें एक नाम था बिहार। अब आपको पता होगा जो हिमालय के नज़दीक बिहार जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन था, मातृत्व योजना का उद्देश्य, बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 4 से 5 बार आ चुका है, बालिकाओं और माताओं को कुपोषण से बचाया जा सके ताकि वह अपना जीवन अच्छे से यापन करें और आत्मनिर्भर बनने, इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन था, हाउ मच डबल बॉन्ड इन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में कितना दोहरा बंधन होता है, 0 डबल बॉन्ड होता है प्रोपेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा यौगिक CnH2n का अनुसरण नहीं करेगा, C6H6। अगला क्वेश्चन था, इफ पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2.5D फाइंड फोकल लेंथ, P बराबर 1/F, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, तीसरे और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब पहले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर का है, कितने शिक्षकों को 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, हाउ मेनी टीचर्स रिसीव्ड नेशनल अवार्ड ऑफ 2022। 46 टीचर्स को रिसीव किया, 46 टीचर्स ने नेशनल अवार्ड 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बाल श्रम के उन्मूलन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 24 में मिलेगा आपको, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज उत्सव किस राज्य में मनाते हैं, पारसी धर्म का ये त्यौहार है, वैसे गुजरात और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी ये उत्तराखंड में आपका लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन था, सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये। अगला क्वेश्चन, रंगोली बिहू किस राज्य में मनाते हैं, असम में मनाया जाता है। जितने भी बिहू त्यौहार के टाइप हैं वो सभी के सभी असम के हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू विच स्टेट एंड फॉल्स इन अरेबियन सी, नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है और बाद में जाकर अरब सागर में गिरती है, तो गुजरात राज्य से होकर ये बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन था, हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन, तो यहाँ पे देखिए आपसे सिंचाई में पद्मश्री पूछा है मार्च 2022 में, तो सतपाल सिंह जी को मार्च 2022 में सिंचाई क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। अगला क्वेश्चन था, हैदराबाद के उर्दू विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला कुलपति पूछा गया, कुलपति, तो देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी है ना उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके पहले जो कुलपति थे वो प्रोफेसर जय राजपुरी थे। अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ जिंक इन पीरियोडिक टेबल, तो 4th पीरियड एंड 12th ग्रुप इसका पोजीशन है जिंक का आवर सारणी में। अगला क्वेश्चन था, 42 अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1976 में किया गया था। इसमें जो प्रिम्बल है प्रस्तावना, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ठीक है। इसके तहत साथ में जो आपका 4296 अमेंडमेंट किया गया था, इसमें क्या किया गया था दोस्तों, एक आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, ये सभी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सल्फर किस आवर्त का तत्व है, आवर्त 3 का तत्व है, वर्ग 16 है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो छवि की प्रकृति क्या होगी, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन फॉरेस्ट बी इंक्रीज्ड, वनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंपल है, वनों की कटाई को रोक दें, कम कर दें उसको, वायु प्रदूषण जितना भी पोल्यूशन है उसको कम कर दीजिए और वृक्षारोपण कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये 3 मुख्य कारण है। पेपर का कम उपयोग कीजिए, इनसे वनों को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निकाय से संबंधित आर्टिकल 243P मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन था, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए CL2 गैस किस में प्रवाहित करना होगा,
देखिए ब्लीचिंग पाउडर अगर हमें प्राप्त करना है तो हम जो सी एल टू गैस है ना वो प्रोवाइड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अगला क्वेश्चन था अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टी और वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय घाटा है वो किस प्रकार होता है, जब आयात ज़्यादा हो निर्यात कम हो तो उसे राष्ट्रीय घाटा बोलते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो भोजन कैसे करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशी के जीव हैं, प्लाज्मा झिल्ली भोजन पदार्थ के चारों ओर से पकड़कर इसे ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक बॉन्ड किस में होता है, तो इन तीनों में से एल्काइन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कच्छ रण से संबंधित नहीं है, तो ओडिशा का पूर्वी तट ये आपका कच्छ रण से संबंधित नहीं है। राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 154 में है, वहीं राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी ये आपका आर्टिकल 155 में है, और राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन ये आर्टिकल 156 में है। तीनों ध्यान रखिएगा। जब हम दही में नींबू मिलाएंगे तो क्या होगा, द कर्डलिंग हैपन्स मच फास्टर, जो दही का जमना है ना उसकी प्रक्रिया और फास्टर हो जाएगी। भारत अधिनियम 1909 को किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटू सुधार के नाम से जाना जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये थे आज के तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले शिफ्ट के साथ। जय हिंद जय भारत।